Good morning, kids. Hope you all are fine. Welcome to our fourth session of Hindi. In this session, we will do revision of Sanyukta Vyanjan and Anuvyanjan, which we studied in last session 3. बच्चों हमने पढ़ा था हमारे चार संयुक्त व्यंजन होते हैं और दो अन्य व्यंजन होते हैं. संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे छ से क्षत्रिय, छ से क्षत्रिय. फिर होता है हमारा त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल. फिर होता है हमारा ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी. फिर होता है हमारा श्र से श्रमिक, श्र से श्रमिक. ये हमारे चार संयुक्त व्यंजन होते हैं जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था. अब हमारे दो अन्य व्यंजन होते हैं ड़ा. ये कौन सा है? ड़ा. और एक और अन्य व्यंजन होता है हमारा अड़ा. ये कौन सा है हमारा अन्य व्यंजन? अड़ा. अब हम इससे संबंधित संयुक्त व्यंजन और अन्य व्यंजन से रिलेटेड एक्सरसाइज अपनी भाषा माधुरी बुक में करेंगे. सो किड्स रेडी विद योर भाषा माधुरी बुक. अब हम रेडी हैं अपनी बुक के साथ, भाषा माधुरी बुक के साथ, पेज नंबर 9. अब हम रेडी हैं अपनी भाषा माधुरी बुक के साथ, पेज नंबर 9 खोला हुआ है हमने. संयुक्त व्यंजन. अब हम अपनी बुक में डेट डालेंगे आज की और सीडब्ल्यू लिखेंगे. आज की डेट डालेंगे ऊपर अपनी बुक में और CW लिखेंगे पेज नंबर 9. संयुक्त व्यंजन से रिलेटेड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं. और क्या लिखा है हमारी बुक में यहाँ पे ऊपर? चित्र के नाम के पहले अक्षर पर गोला बनाएं. चित्र के नाम के पहले अक्षर पर गोला बनाएं. आपने डेट और CW यहाँ पे डाल ली आज की. अब हम चित्र देखेंगे. पहला चित्र कौन सा दिया हुआ है? ये चित्र दिया हुआ है क्षत्रिय का. कौन सा चित्र दिया हुआ है? ये क्षत्रिय का. क्षत्रिय किससे होता है? छ से, त्र से कि क्या से? क्षत्रिय किससे होता है? छ से, त्र से कि क्या से? छ से क्षत्रिय. तो हम सर्किल करेंगे छ से क्षत्रिय. हमने कर दिया छ से क्षत्रिय सर्किल. अब हम फिर अपनी बुक में देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर कौन सी दी हुई है. हमारी नेक्स्ट पिक्चर दी हुई है त्रिशूल की. कौन सी पिक्चर दी हुई है? त्रिशूल की. त्रिशूल किससे होता है? छ से, त्र से कि ग्या से? त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल. अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे कौन सी हमारी बुक में दी हुई है. हमारी बुक में नेक्स्ट पिक्चर दी हुई है ज्ञानी की. किसकी दी हुई है? ज्ञानी की. ज्ञानी वो होता है जिसके पास बहुत सा ज्ञान होता है, जो बहुत सब कुछ जानता है. तो ये किसकी पिक्चर दी हुई है? ज्ञानी की. ज्ञानी किससे होता है बच्चों? वेरी गुड. ग से ज्ञानी, क्या से ज्ञानी.
सो हमने सर्किल कर दिया ज्ञा से ज्ञानी, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञा से ज्ञानी। तो हमने सर्किल कर दिया ज्ञा से ज्ञानी। अब हम अपनी बुक में नेक्स्ट पिक्चर पे आएंगे। ये किसकी पिक्चर हुई है? ये पिक्चर दी हुई है श्रमिक की। जो मजदूर होता है उसको श्रमिक करते हैं कहते हैं। ये किसकी पिक्चर दी हुई है? हमारी श्रमिक की पिक्चर दी हुई है। किसकी पिक्चर दी हुई है? श्रमिक की। और श्रमिक किससे होता है? श्र से श्रमिक। सो हमने सर्किल कर दिया श्र से श्रमिक। अब हम अन्य व्यंजन करेंगे। क्या करेंगे? अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन हमारे दो ही होते हैं, ड और अड़ा। तो जो ड़ा बना है उसके नीचे हम अड़ा को सर्किल करेंगे और जहाँ पे अड़ा बना है वहाँ पे हम अड़ा को सर्किल करेंगे। तो हम यहाँ पे अड़ा को सर्किल करेंगे और उसके बाद दिया है अड़ा, तो हम सर्किल करेंगे अड़ा को। इसको करने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे नीचे, खाली स्थान क्रम से भरे। खाली स्थान क्रम से भरे। आपका यहाँ बुक में ग्रीन लाइन ग्रीन कलर से लिखा है ना संयुक्त व्यंजन, और उसके सामने आपका छ लिखा है, डैश डैश फिर श्र लिखा है, और छ और श्र जो आपका लिखा है वो डॉट डॉट लिखा है। तो उसको आप जहां पे संयुक्त व्यंजन आपका जहां पे लिखा है वहां पे जो खाली जगह है उसमें आप लाइन से लिखेंगे छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, और श्र से श्रमिक। ठीक है, यहां पे आपका ग्रीन कलर से लिखा है ना संयुक्त व्यंजन, उसके सामने आपके चार स्क्वायर्स लिखे हैं खाली, उसमें आप संयुक्त व्यंजन लिख देंगे छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। उसके नीचे इसके बाद आपका आपकी बुक में रेड कलर से लिखा हुआ है अन्य व्यंजन। रेड कलर से लिखा है अन्य व्यंजन। यहां पे आप जो खाली जगह है वहां पे अन्य व्यंजन लिख देंगे ड़ा और अड़ा, ड़ा और अड़ा। बच्चों हमने पेज नंबर 9 कर लिया अपनी भाषा मातृ बुक में। अब हम अपना पेज टर्न करेंगे और पेज नंबर 10 पर आएंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे HW लिखेंगे, डेट लिखेंगे और HW लिखेंगे। जैसे आप मैंने यहाँ पे लिखा है ना आज की डेट और HW, उसी तरह से आप पेज नंबर 10 पे डेट डालेंगे और HW लिखेंगे। ठीक है, आप इसमें क्या लिखा है ऊपर आपका? पहचाने और दोहराए, पहचाने और दोहराए। आप स्वर पढ़ चुके हैं, उन्हें पहचानते भी हैं और आप उसको लिख भी सकते हैं। तो आपकी जो बुक है उसमें स्वर लिखा है और पहले आपका डॉट से छोटा लिखा, उसके बगल में खाली जगह है, तो जहां डॉट है उसमें आप लिखेंगे आ, उसके बगल में भी छोटा आ लिखेंगे। ठीक है, सेम आपका व्यंजन लिखा है तो व्यंजन में भी आपका
पहले क्या लिखा हुआ है, डॉट्स में क लिखा है। जो डॉट्स में क लिखा है उसको पहले पेंसिल से लिखेंगे, उसके बगल में जो खाली जगह है उसमें भी क लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से पहले आप स्वर पूरा आ से आह लिख लेंगे। ठीक है, दो दो बार दिया है, पहले तो आपका डॉट्स में लिखा है छोटा, उसके बाद आपका खाली जगह है, तो पहले डॉट्स में छोटा लिख लेंगे, डॉट्स को पहले लिख लेंगे छोटा, उसके बगल में जो खाली जगह है वहां पे भी छोटा आ लिखेंगे, उसके बाद फिर डॉट्स में बड़ा लिखा है, या मैं डॉट्स को ज्वाइन कर रही हूं। ठीक है, मैंने यहाँ डॉट्स ज्वाइन कर लिए। ठीक, पेंसिल से आप करेंगे और उसके बाद हमने खाली जगह में छोटा आ लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे फिर डॉट्स दिए हैं तो हम यहाँ पे डॉट्स को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बड़ा आ, और यहाँ पे उसके बगल में खाली जगह है तो वहां पे भी हम बड़ा आ लिख देंगे। इस तरह से स्वर हम आ से आहा लिख लेंगे। ठीक है, हम स्वर आ से आहा लिख लेंगे। अब नेक्स्ट आएंगे हम व्यंजन। ठीक, तो व्यंजन में भी जैसा मैंने आपको अभी बताया था, डॉट्स दिए हैं उनको डॉट्स को ज्वाइन कर लेंगे, अभी मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, डॉट्स को हमने ज्वाइन कर लिए और फिर हम फिर से उसको क को लिखेंगे। ठीक, हमने व्यंजन का लिख लिया, फिर हमारा डॉट्स में क्या दिया है, ख दिया है, तो हम डॉट्स ज्वाइन करेंगे। आपको ज्यादा क्लियर हो जाए इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया है। ठीक, फिर हम यहाँ पे ख लिखेंगे। ठीक, अब व्यंजन अब क से ह होता है, आपको मालूम है व्यंजन क से ह होता है, आप लिख लेंगे। ठीक है, आपने स्वर लिख लिया, व्यंजन लिख लेंगे। अब नीचे आपका दिया है संयुक्त व्यंजन और अन्य व्यंजन। क्या दिया है, संयुक्त व्यंजन और अन्य व्यंजन, आप इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, सुंदर सुंदर पेंसिल से पहले डॉट्स लिखेंगे, उसके बगल में जो खाली जगह है सेम लेटर वहां पे सेम अक्षर लिख देंगे। ठीक है, इसको घर पे कर लेंगे सुंदर सुंदर अपनी बुक में, भाषा माधुरी बुक में। बच्चों, हमने संयुक्त व्यंजन, अन्य व्यंजन, स्वर, व्यंजन सब कर लिया आपने अपनी भाषा माधुरी टेक्स्ट बुक में। अब आप अपनी वर्कबुक निकालेंगे सहज हिंदी रचना। मेरे पास सहज हिंदी रचना है जो कि आपकी वर्कबुक है, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इस बुक में हम वर्कशीट 1 और 2 कर चुके हैं स्वर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस। अब हम वर्कशीट 3 करेंगे जो कि व्यंजन से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो आप अपनी सहज हिंदी रचना बुक खोलिए और पेज नंबर 5 पर आइए। आपका नीचे लिखा है ना पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 वर्कशीट 3 खोलिए अपनी बुक में सहज हिंदी रचना में। पेज नंबर 5 वर्कशीट 3। ठीक है, इसमें हम क से छ तक के जो हमने वर्ड पढ़े उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, क से झ से झरना तक। ठीक है, क से झ से झरना तक की एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, आपने खोल ली अपनी बुक। अब आप डेट डालेंगे आज की 15/5/2020 और CW लिखेंगे अपनी बुक में ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप डेट डालेंगे आज की और CW लिखेंगे। ठीक, अब आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्या दिया है। आपका यहाँ पे लिखा है पहला वर्ण लिखकर चित्रों के नाम पूरे करो। पहला वर्ण लिखकर चित्रों के नाम पूरे करो।
अब आप अपनी बुक में देखिए, आपका पहला चित्र क्या दिया हुआ है बुक में? पहला चित्र दिया है हमारा कमल का, और कमल किससे होता है? क से। वेरी गुड। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? क से कमल, क से कमल। नेक्स्ट पिक्चर हमारी क्या दी हुई है? ख से खरगोश। क्या दिया है हमारा? खरगोश। और खरगोश किस लेटर से स्टार्ट होता है? ख से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ख से खरगोश। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ख से खरगोश। अब हमारा तीसरा चित्र कौन सा दिया हुआ है? गमला। कौन सा चित्र दिया हुआ है? गमला। और गमला किस लेटर से स्टार्ट होता है? ग से। किससे स्टार्ट होता है? ग से। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? ग से गमला। लिख लिया ग से गमला। अब हमारी फोर्थ पिक्चर दी हुई है। कौन सी पिक्चर दी हुई है हमारी यहाँ पे? घर। कौन सी पिक्चर दी हुई है? घर। घर किससे होता है? घ से। घ से घर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे खाली जगह में घ से घर। अब आपका यहाँ पे अंगा लिखा है, अंगा से कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपकी बुक में कोई चित्र नहीं दिया है, तो उसको हम वहां पे छोड़ देंगे एज इट इज। अब हम अपनी फिफ्थ पिक्चर पे आएंगे। फिफ्थ पिक्चर हमारी क्या दी हुई है? हमारी कौन सी पिक्चर दी हुई है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे तो कोई पिक्चर नहीं दी है, इसलिए हम इसको फिफ्थ पिक्चर बोल रहे हैं। ठीक है, हम इसको काउंट नहीं कर रहे, इसलिए मैंने बोला फिफ्थ पिक्चर कौन सी है। आपकी फिफ्थ पिक्चर कौन सी दी हुई है? चंदा की। और चंदा किससे होता है? च से। च से चंदा। तो हम यहां पे लिखेंगे च से चंदा। चंदा के बाद हमारी कौन सी पिक्चर दी हुई है? छतरी की। कौन सी पिक्चर दी हुई है? छतरी की। और छतरी किससे होती है? छ से। छ से छतरी। तो हम लिखेंगे छ से छतरी। अब नेक्स्ट पिक्चर कौन सी दी हुई है हमारी? जहाज की। कौन सी पिक्चर दी है? जहाज की। और जहाज किससे होता है? ज से। वेरी गुड। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? ज से जहाज। अब लास्ट हमारी इस पेज की कौन सी पिक्चर दी हुई है? लास्ट में कौन सी पिक्चर दी हुई है? झंडा की। तो झंडा किससे होता है? ज से झंडा। ज से झंडा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? झ से झंडा। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया? क से कमल, चित्र का पहला अक्षर हमको लिखना है, चित्र देखना है कौन सा चित्र दिया हुआ है, उसके नाम का पहला अक्षर कौन सा, उसको हमको यहाँ पे लिखना है। तो क्या दिया है हमारा? क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, च से चंदा, छ से छतरी, ज से जहाज और झ से झंडा। लिख लिया आपने इसको? वेरी गुड। अब हम अपना पेज टर्न करेंगे और नेक्स्ट पेज पे आएंगे।
इसको कर लीजिए। इसके बाद इसको लिखने के बाद सुंदर सुंदर पेंसिल से आप अपना पेज टर्न करेंगे और आएंगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 6 पे। सो किड्स, अब हम आ गए हैं अपने पेज नंबर 6, वर्कशीट 4। पेज नंबर 6 और वर्कशीट 4 पे, इस वर्कशीट में हम इयां से द तक के वर्णों के बारे में एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सेम है हमारा पहला वर्ण, लिखकर चित्रों के नाम पूरे कर। इसमें भी हम चित्र देखेंगे, चित्र कौन सा चित्र दिया है और किस वर्ण से वो स्टार्ट होता है उसको हम लिखेंगे। हमारा यहां पे दिया हुआ है इया, क्या दिया हुआ है हमारा इया, इया से कुछ नहीं, तो हम यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पे आएंगे। नेक्स्ट पिक्चर हमारा दिया है टमाटर, किसका पिक्चर दिया हुआ है हमारा टमाटर, और टमाटर किससे होता है ट से, किससे टमाटर ट से, तो हम यहां पे लिखेंगे ट से टमाटर, ट से टमाटर। अब नेक्स्ट पिक्चर है हमारी ठठेरा, किसकी पिक्चर है हमारी ठठेरा, ठठेरा किससे होता है थ से ठठेरा, थ से ठठेरा। इसके बाद हम नीचे आएंगे और देखेंगे कौन सी हमारी पिक्चर दी हुई है। यहां पे हमारा दिया हुआ है द से डमरू, कौन सी पिक्चर दी हुई है हमारी डमरू की, और डमरू किस लेटर से स्टार्ट होता है ड से, तो हम यहां पे लिखेंगे ड से डमरू, क्या लिखेंगे हम ड से डमरू। ड से डमरू के बाद हमारी नेक्स्ट पिक्चर दिया हुआ है ढक्कन, नेक्स्ट पिक्चर हमारा क्या दिया हुआ है ढक्कन, और ढक्कन किससे होता है वेरी गुड ध से ढक्कन, तो हम लिखेंगे ध से ढक्कन। ध से ढक्कन के बाद हमारा दिया हुआ है अड़ा, अड़ा से कुछ नहीं, अड़ा से कुछ नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट पिक्चर हमारी दी हुई है तरबूज, कौन सी पिक्चर दी हुई है तरबूज, और तरबूज किससे होता है त से तरबूज, त से तरबूज, तो हम लिखेंगे त से तरबूज। त से तरबूज के बाद हमारा दिया हुआ है थर्मस, कौन सी पिक्चर है ये हमारी थर्मस, और थर्मस किससे होता है थ से थर्मस, थ से थर्मस। अब हम लास्ट पिक्चर देखेंगे, हमारी लास्ट पिक्चर दी हुई है दवात, कौन सी पिक्चर दी हुई है हमारी दवात, और दवात किससे होता है द से, वेरी गुड द से दवात, तो हम लिखेंगे द से दवात। अब समझ गए आप, पहले आप सी डब्ल्यू लिखेंगे अपनी इस पेज नंबर 6 में। सी डब्ल्यू लिखने के बाद आप फिर एक्सरसाइज करेंगे, इया से कुछ नहीं, ट से टमाटर, थ से ठठेरा, द से डमरू,
ध से ढक्कन, अड़ा से कुछ नहीं, त से तरबूज, थ से थर्मस और द से दबाव। सुंदर सुंदर पेंसिल से इसको लिखेंगे। सो किड्स, हमने आज 2 पेजेस क्लास वर्क किया अपनी सहज हिंदी रचना वर्कबुक में, व्यंजन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस की। अब हम होमवर्क नोट करेंगे, ठीक है? इसके लिए आप अपना पेज नंबर 7 खोलेंगे, वर्कशीट 5, पेज नंबर 7, वर्कशीट 5। अब आप यहाँ पे ऊपर अपनी बुक में HW लिखेंगे। होमवर्क लिख लिया HW। अब इसमें आपने जैसे लास्ट की 2 एक्सरसाइजेस की थी, वर्कशीट्स की थी, वैसे ही आपको इस पेज को भी करना है। इसमें भी सेम चित्र देखेंगे, किसका चित्र दिया हुआ है, वो किस लेटर से स्टार्ट होता है, उसको फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे। जैसे धनुष दिया है तो ध से धनुष, तो हम उसको ध से धनुष लिख लेंगे। इसको आप कर लेंगे वर्कशीट 5 को, पेज नंबर 7। उसके बाद टर्न करिए पेज अपना, होमवर्क नोट कर लिया आपने। अब नेक्स्ट पेज टर्न करने के बाद आप आएंगे पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे आइए, वर्कशीट 6, पेज नंबर 8। नीचे आपका पेज नंबर लिखा है आपकी बुक में, पेज नंबर नीचे लिखा आपके, वर्कशीट 6। वहां पे भी ऊपर आप HW लिख लेंगे अपनी बुक में, वर्कशीट 6 में यहाँ ऊपर आप HW लिख लेंगे। आई एम श्योर क्लास आप लोग आराम से वर्कशीट 5 और 6 घर पर लिखेंगे और सुंदर सुंदर लिखेंगे। ओके किड्स, आई होप यू हैव लर्न व्हाट एवर आई टॉट यू इन दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन आई विल टीच यू 2 लेटर वर्ड्स। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय।